Hello, dear students. Welcome back to my channel Science Classes. So, today I'm going to teach you skin. This is from your class 9th biology book. And if you are new to my channel, then please subscribe to Science Classes. So, today I will be completing this complete chapter in one single video, and I'll be explaining the entire chapter in Hindi. तो देखो स्किन क्या होता है हम लोग का जो भी आउटर कवरिंग है इंक्लूडिंग आवर नेल्स आवर हेयर हमारा जो भी पूरा का पूरा जो बॉडी होता, होता है वो कवर होता है स्किन से ठीक द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसलिए बोला गया है बिकॉज स्किन जो है वो बहुत सारा फंक्शंस परफॉर्म करता है इट इज़ बेसिकली एन ऑलराउंडर तो स्किन का जो डेरिवेटिव्स है वो क्या है नेल्स हो गया हमारा हेयर हो गया ये सब क्या है हमारे स्किन का डेरिवेटिव है मतलब स्किन से निकल कर आता है स्किन का ही पार्ट होता है नाउ जो स्किन होता है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है यस स्किन इज आवर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड स्किन जो होता है दैट इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं ना नोज आइज ट इयर्स एंड स्किन तो स्किन जो होता है हमारा sense organ होता है उसमें नाउ तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दंक्शन तो जैसे कि हम लोग सबको पता है अगर हम किसी भी इंसान को देखते हैं ओके okay, तो उसका एज क्या है लाइक like वो थर्टी का है फोर्टी का है फिफ्टी का है ये कैसे पता चलता है कोई ओल्ड है या फिर यंग है हाउ डू वी नो दिस बिकॉज स्किन स्किन से देख कर हम लोग पता कर सकते हैं ना कि हाँ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ओल्ड और दिस पर्सन इज यंग तो स्किन के टेक्स्चर को देख कर हम लोग समझ जाते हैं जो ओल्ड लोग होते हैं उनके फेसेस में रिंकल्स होते हैं उसके उनके स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं दैट मीन्स दे आर ओल्ड हम लोग समझ जाते हैं हाँ ये इंसान जो है ही इज ओल्ड तो स्किन का टेक्सचर देख के हम लोग समझ जाते हैं अब एक छोटे बेबी का इन्फेंट का स्किन जो, जो, जो होता है वो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है जो एडल्ट होते हैं उनका स्किन उतना सॉफ्ट नहीं होता है सिमिलरली ओल्ड एज पीपल का स्किन जो होता है वो उनमें रिंकल्स होता है यंग की तरह टाइट नहीं होता है तो ये क्या होता है स्किन से देख कर हम लोग पता लगा सकते हैं एज पता कर सकते हैं लाइक हेयर हेयर सो सबका एक जैसा नहीं होता किसी का लॉन्ग हेयर होता है किसी का शॉर्ट होता है किसी का वॉल्यूम ज्यादा होता है कम होता है कॉम्प्लेक्शन लाइक इंडियन like, uh, कॉम्प्लेक्शन जो होता है ब्राउनिश होगा बिटिश होगा फेयर होगा ऑल राइट तो ये सब कैसे पता चलता है बिकॉज ऑफ द स्किन तो अब हम लोग स्किन के बारे में पढ़ेंगे वट इज द फंक्शन ऑफ स्किन ये देखो बुक में भी लिखा हुआ यहाँ पे आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना स्किन जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इट अकाउंट फॉर फिफ्टीन परसेंट ऑफ एन एडल्ट टोटल बॉडी वेट सोचो फिफ्टीन परसेंट जो हमारा बॉडी वेट होता है वो स्किन होता है ना स्किन इज एन इम्परमीएबल बैरियर इम परमीएबल का मतलब होता है कि उससे कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकता है स्किन जो होता है इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी इम्परमिबल मतलब बाहर का कोई भी सामान अंदर नहीं जा सकता है हमारे स्किन के अंदर स्किन जो होता है हमारा पूरा जो बॉडी सरफेस होता है उस पर स्किन प्रेजेंट होता है जो सरफेस होता है ऊपर वाला लेयर इट इज़ ऑल कवर्ड विथ स्किन नाउ फंक्शन क्या होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज नंबर वन इज प्रोटेक्शन हमारा जो स्किन है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे वे में फॉर एग्जाम्पल अगर जो सन में यू वी रेज होता है अल्ट्रा रेज अगर हम लोग ज़्यादा देर तक बैठे तो क्या होता है इट इज़ बैड फॉर आवर स्किन आवर बॉडी ठीक है उसमें यूवी रेज होते हैं हार्मफुल जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट भी होते हैं तो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को हमारे बॉडी का जो इनर टिश्यूज है उनको भी प्रोटेक्ट करता है नाव हमारे बॉडी में अगर एक्सेस वाटर है तो वो वाटर जो है वो हम कहाँ से निकलता है हमारे स्किन से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट नाव लेकिन इतना ही निकलेगा पानी जितना यू नो जो एक्सेस वॉटर है ओके ये नहीं कि बस अगर स्वेटिंग हो रहा है तो बस यू नो वॉटर का लॉस होते जा रहा है जी नहीं ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर का ही लॉस होगा जिससे हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है एक्सेस वॉटर इन्वायरमेंट में कितने सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारा स्किन जो है प्रोटेक्ट करता है सो so दैट हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जर्प ना जा पाए अंदर इसलिए तो इम्परमिएबल है ना इम्परमिएबल मतलब किसी भी चीज को अंदर जाने नहीं देता है नाउ सेंसेशन दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ स्किन तो स्किन क्या होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पिंच कर रही हूँ यहां तो मुझे पता चल रहा है या इफ आई विल टच अ हॉट ऑब्जेक्ट तो मुझे पता चलेगा हाँ ये चीज हॉट है इफ आई विल टच आइस तो मुझे पता चलेगा हाँ ये ठंडा है तो ये कैसे पता चलता है बिकॉज स्किन जो होता है इट एक्ट एज अ सेंस ऑर्गेन ना टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है लाइक like बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वी स्टार्ट स्वेटिंग तो इससे क्या होता है हमारा जब स्वेटिंग होता है तो बॉडी जो है वो अपने आप थोड़े देर में थोड़ा कूल हो जाता है जब एक से स्वेट निकल जाता है तो ये कैसे हेल्प कर रहा है टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद कर रहा है ना स्टोरेज ऑफ फूड जो स्किन के नीचे का जो लेयर होता है ना उसमें फैट प्रेजेंट होता है और फैट जो होता है वो होता है रिजर्व फूड के फॉर्म में होता है फैट जो है हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करता है ना एक्सक्रीशन स्किन जो है लाइक जो स्वेटिंग में हेल्प करता है उससे क्या होता है एक्सेस वाटर जो हमारे बॉडी का निकल जाता है और बहुत ही कम अमाउंट में यूरिया और सॉल्ट निकलता है सो इट ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गेट हेल्प इन एक्सक्रीशन नंबर सिक्स इज सिंथमिन डी जब हम लोग सन रेज में बैठते हैं ना तो क्या होता है, कि हमारे skin जो है वो सनशाइन में सन रेज में वाइटामिन डी सिंथेसिस करता है हमारा स्किन सो इट ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन डी वाइटामिन डी क्या होता है वाइटामिन डी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटमिन वाइटमिन डी जो होता है हमारे बोन्स को मजबूत बनाता है स्ट्रॉन्ग बनाता है वाइटमिन डी लाइक हम लोगों को गुआवा या फिर फिश फैटी फिश खाने से भी मिलता है बट सन में भी बहुत अच्छा खासा सोर्स होता है तो अगर हम लोग सन रेज में बैठे कुछ देर के लिए ज़्यादा सन रेज अच्छा नहीं होता बट कुछ देर के लिए अगर हम लोग बैठेंगे तो हमारा जो स्किन है वो वाइटामिन डी भी सिंथेसिस करेगा नाउंथ ग्रिप ग्रिप इज लाइक जब हम लोग ज्यादा देर पानी में होते हैं स्विमिंग पूल में होते हैं या फिर बाथ फॉर लॉन्ग टाइम तो क्या होता है हमारे स्किन पे इस सरफेस पे थोड़ा रिंकल्स लाइन लाइन जैसा कुछ बन जाता है ना पंचर्स दिखता है तो वो uh, क्यों दिखता है सो so दैट वो स्लिपरी ना हो मतलब हम लोग जो गीले सर्फेस में हैं अगर वेट सर्फेस में हो वहाँ हम लोग को बेटर ग्रिप मिल सके इसलिए जो हमारे रिंकल्स काइंड ऑफ पकर्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं सो दैट वॉज अबाउट द फंक्शन ऑफ स्किन अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन तो स्किन जो होता है वो दो टाइप का होगा लाइक इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स पहला तो स्किन प्रॉपर दैट इज एपिडर्मिस एंड डर्मिस और दूसरा होगा डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन मतलब स्किन से जो निकल कर आया है लाइक हमारा हेयर हो गया हमारा नेल्स हो गया मेमरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड सेबिशियस ग्लैंड ये दीज आर द दे डेरिवेटिव्स ऑफ़ द स्किन ये याद रखना एंड स्किन प्रॉपर और एपिडर्मिस ये होता है हमारा आउटर मोस्ट लेयर ये जो ऊपर का लेयर है दिस इज द एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर होगा दैट इज डर्मिस स्किन प्रॉपर दैट इज एपिडर्मिस एंड डर्मिस के बारे में हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस हो, जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे आउटर थिनर लेयर होता है नाउ इट इज फॉर्म ऑफ एक्सप्रैक्टिफाइड एपिथिलियम पाइल लेयर आफ्टर लेयर मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा हुआ है आई शो यू इन द इमेज योर यू कैन सी नाउ कुछ कुछ जगह पे क्या होता है जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और बहुत हार्ड होता है वो कौन सा जगह होगा हमारा पाम हैंड और सोल ठीक है क्यों होता है बिकॉज हम लोग आ, अपने हैंड का ज़्यादा यूज करते हैं लाइक like, जितना भी मोस्टली काम होता है वो हम लोग अपना हैंड यूज़ करते हैं लाइक फॉर राइटिंग फॉर ईटिंग फॉर डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड वी यूज़ आवर लेग फॉर वॉकिंग तो जो सोल होता है हमारे फीट का दैट इज हार्ड एंड वो थोड़ा हार्ड होता है वहां का स्किन नाउ द एपिडर्मिस शोज थ्री रीजन आर थ्री रीजन द नंबर वन इज द आउटर मोस्ट जो होगा इट इज नोन एज द आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर ये देख लो स्ट्रैटम कॉर्नियम भी जिसको हम लोग बोलेंगे एंड द सेकेंड वन इज ग्रेन्युलर लेयर ये हो गया हमारा ग्रेन्युलर लेयर एंड द थर्ड वन इज स्ट्रैटम मैलफिजाई मेल्फिजन लेयर थ्री so लेपिडर्मस तो जो सबसे पहला है, stratum corneum, इसमें जो cells होते है वो एज अर एक दूसरे के ऊपर अरेन्ज होते हैं फ्लैट एंड डेड सेल्स होते हैं इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर डेड सेल्स ये याद रखना दे आर डेड सेल्स इधर पे लिखा हुआ भी है नाउ दी सेल्स आर मेड ऑफ अ फाइबरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड केरेटिन केरेटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे नेल्स में हेयर्स में और एनिमल्स के जो हॉर्न्स होते हैं ना वहाँ पे भी कैरेटिन प्रेजेंट होता है दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इन द बुक ना ये जो कैरेटिन लेयर होते हैं वो कंटिन्यूसली वोन आउट होते हैं मतलब ये रिप्लेस होते जाते हैं न्यू सेल से लेकिन नेल्स जब यू you नो know, बड़ा होते जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कट कर देते हैं हमारा हेयर है जब लंबा होता है अभी कट आवर हेयर और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर से बड़ा होना शुरू हो जाता है हम लोग फिर से कट करते हैं तो इसी तरह से जो कैरेटीन जो होता है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहता है और इसका काम क्या होता है वॉट इज द फंक्शन तो ये जो है मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करता है एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाई ए नाउ द सेकेंड लेयर विच इज द ग्रेन्युलर लेयर ये देखो दिस इज द ग्रेन्युलर लेयर ये बहुत ही थिन लेयर होता है बहुत ही पतला सा लेयर होता है और ये क्या होता है कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है और जो सेल्स न्यू सेल्स बनते हैं वो ऊपर मूव करते जाता है तो सेल्स डिवाइड कहां पर होता है स्ट्रेक्टम मेलफिजाई में एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर इसलिए भी है क्योंकि मेलानिन सिंथेसिस होता है इधर मेलानिन सिंथेसिस कहाँ होता है स्ट्रैटम मेल्फिजाई जो इनर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस वहाँ पे होता है मेलानिन क्या होता है मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हम लोगों को कलर देता है लाइक like, हमारे स्किन का कलर वाइट है ब्राउन है सॉरी फेयर है ब्राउन है आई मीन विटिश है डार्क है क्या है वो कैसे पता चलेगा इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट मेलेनिन प्रेजेंट इन आवर बॉडी लाइक इन फेयर पीपल क्या होता है मेलेनिन थोड़ा पिगमेंट कम होता है और जो डार्क पीपल होते हैं लाइक नेग्रोज अफ्रीकन उसमें ज्यादा प्रेजेंट होता है इट डिपेंड्स अपॉन यू नो पीपल टू पीपल हर लोग में अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है

यू ऑल मस्ट हैव सीन ऑल्सो इसमें क्या होता है ना कि स्किन जो होता है कहीं पे वाइट होगा कहीं पे नॉर्मल कलर होगा लाइक ब्राउन होगा या फिर फेयर होगा और थोड़ा वाइट वाइट जैसे पैचेस जैसा होता है मतलब एक बराबर कलर नहीं होता है तो ये एक डिजीज होता है तो क्या होता है कि किसी किसी जगह पर जो पिगमेंटेशन होता है मेलनिन जो होता है वो वहाँ पे एबसेंट होता है ठीक है तो इसकी वजह से बॉडी में अनइक्वल कलर हो जाता है ना एल्बिनिज्म क्या होगा इसमें देर इज कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन मतलब पूरे बॉडी में लाइक like, हेयर हो गया आईब्रोज हो गया सब कुछ बिल्कुल वाइट वाइट या फिर बिल्कुल ब्राउन जैसा नजर आएगा क्योंकि उसमें बिल्कुल भी पिगमेंट होता ही नहीं है मेलानिन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है ना सो दिस वॉज ऑल अबाउट एपिडर्मिस अब हम लोग सेकेंड लेयर देखेंगे दैट इज डर्मिस तो डर्मिस जो होता है वो इनर लेयर होता है सी देखो दिस इज डर्मिस एपिडर्मिस बस इतना सा है और डर्मिस जो है इट इज अ थिक लेयर डर्मिस जो होता है इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स और ये बहुत ही टफ होता है बहुत ही रिजिड होता है सॉरी फ्लेक्सीबल होता है टफ एंड फ्लेक्सीबल होता है एंड एट सर्टन प्लेसेस डर्मिस इन आवर स्किन इज वेरी थिक लाइक like हमारे पाम्स में हमारे सोल्स में बहुत ज्यादा थिक होता है मतलब बहुत मोटा होता है और बहुत थिन कहाँ पे होएगा? हमारे आईलेट्स में यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमारे आईलेट्स में बहुत ही थिन लेयर होता है डर्मिस का तो डर्मिस में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक ब्लड वेसल्स होगा देख लो कितने सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना ब्लड वेसल्स है हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होगा स्वेट ग्लैंड्स है सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंस होते हैं ना द आउटर रीजन ऑफ डर्मिस विच लाइज नेक्स्ट टू द डर्मिस इज रेज इन टू न्यूमरस स्मॉल प्रोसेस विच इज नोन एज द पैपिले ये देख लो ये है पैपिले इसमें क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व एंडिंग्स दिस इज पैपिलेन कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व एंडिंग्स तो नर्व एंडिंग्स में क्या होगा नर्व एंडिंग्स एंड द सेंस ऑर्गन्स हेयर आर कंसर्न विद द सेंसेशन ऑफ टच एंड पेन अभी इसी के वजह से हम लोग अगर अपने आप को टच करते हैं या फिर हम लोग कोई हॉट ऑब्जेक्ट कोई कॉफी हॉट कॉफी अगर हम लोग टच करें तो हम लोग को पता चलता ओह इट्स हॉट या फिर हम लोग कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो भी हम लोग को पता चलता है इट्स कोल्ड बिकॉज ऑफ द दिस इनर लेयर डर्मिस की वजह से हम लोग को पता चलता है सेंसेशन किसी भी टच का पेन का हीट हो कोल्ड हो किसी भी चीज का सो दैट दॉज ऑल अबाउट डर्मिस नाउ विल सी द डेरिवेटिव ऑफ द स्किन हेयर नंबर वन इज हेयर तो हेयर का अगेन हेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स इट कंसिस्ट ऑफ हेयर शाफ्ट हेयर रूट एंड हेयर बल्ब तो यहां देखो ये यह डर्मिस में हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है और हेयर फॉलिकल के अंदर ही होगा हेयर रूट प्रेजेंट होता है हेयर फॉलिकल में नाउ दिस हेयर फॉलिकल एंड द हेयर बल्ब ये दोनों मिलकर ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जो अमाउंट ऑफ हेयर ग्रोथ हो रहा है या फिर हमारा हेयर कितना लॉन्ग है लॉन्गेशन ऑफ हेयर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हेयर फॉलिकल एंड द हेयर बल्ब और ये हेयर फॉलिकल जो है इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है दैट इज मेलानिन जिसकी वजह से हमारा ये जो हेयर के कलर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से मोस्टली इंडियंस का ब्लैक होता है किसी का थोड़ा ज्यादा ब्लैक uh, होगा किसी का ब्राउन होगा ऑल राइट तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द हेयर फॉलिकल नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द अरेक्टार मसल ये क्या करता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो एक गूज बम्स हम लोग देखे होंगे अपने स्किन पे एक लाइक जो हेयर्स प्रेजेंट होता है हमारे हैंड में या स्किन सरफेस पे वो इरेक्ट हो जाता है और ऐसे राउंड राउंड से स्वेलिंग बन जाते हैं जिसको हम लोग गूज बम्प बोलते हैं या फिर गूज फ्लैश बोलते हैं ये बुक पे भी लिखा हुआ है इट इज़ रिटर्न तो वो क्यों होता है दिस विंटर में जब हम लोग को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम लोग देखे होंगे कि हमारे स्किन पे ऐसे बहुत ज्यादा छोटे छोटे से स्वेलिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है हेयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट नजर आने लगते हैं तो ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इरेक्टाइल मसल इन द डर्मिस नाउ दिस हेयर इज नोन एज द

ये टर्म्स गूज फ्लैश ओके एंड दिस लिफ्टेड हेयर इज कॉल्ड द हेयर इज लिफ्टेड विच इज नोन एज द पाइलो इरेक्शन नाउ हमारा जो हेयर होता है लाइक द हेयर विच इज प्रेजेंट इन आवर स्कैल्प वो आ, हम लोग एवरी डे देखते हुए अगर हम लोग हेयर ज्यादा वॉश करते हैं या फिर वेन वी कोम आवर हेयर है, तो हेयर फॉल होता है विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल एवरी डे अगर हंड्रेड हेयर फॉल हो रहा है तब तक वो नॉर्मल होता है तो वो कंटिन्यूसली रिप्लेस भी होता है लाइक टू टू फाइव ईयर्स में ऑलमोस्ट यू नो उतना ही लाइफ स्पैन होता है जो हेयर का है वो हेयर uh, फॉल होगा फिर जाके न्यू हेयर ग्रोथ होगा तो इस तरह से ये चलता जाता है लेकिन जो आईब्रोज और आई लैशेज के जो हेयर्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो थोड़ा कम होता है लाइक थ्री टू फाइव मंथ्स में वो रिप्लेस होते रहते हैं सो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दे हेयर्स आर लॉस्ट एंड अगेन दे आर रीग्रोन Now, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हेयर होते हैं एंड देयर टेक्चर इज डिफरेंट लाइक हमारा हमारे जो स्कैप में हेयर प्रेजेंट होते हैं इट इज डिफरेंट फ्रॉम दो इन आवर हैंड आवर लेग एक्सेट्रा नेयर्स का बहुत सारा फंक्शन भी होता है लाइक like, uh, हमारे नेसल पैसेज में नोज में या फिर ईयर्स में जो हेयर uh, प्रेजेंट होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है कि वो कोई भी डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता है इट प्रोटेक्ट्स आवर यू नो अवर बॉडी फ्रॉम एंटरिंग एनी डस्ट पार्टिकल नाउ नेल्स नेल्स इज द सेकंड ऑफ द स्किन तो नेल्स का भी थ्री पार्ट होगा एक तो होगा प्लेट द सेकेंड इज बेड एंड द थर्ड वन इज मैट्रिक्स जो प्लेट होगा ये जो हम लोग देख सकते हैं ना दिस इज द आउटर हार्ड एंड पार्ट ऑफ़ द नेल इट इज मेडअप ऑफ डेड केरेटिनाइज सेल्स तो कैरेटिन से बना हुआ होता है हमारा नेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही हॉर्न जो होता है हेयर जो होता है दे आर ऑल मेडप ऑफ कैरेटिन एंड दे आर डेड क्योंकि हम लोग जब नेल्स बड़ा हो जाता है हम लोग कट करते हैं तो क्या पेन होता है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी डेड होता है ना बेड दैट इज रूट इट लाइज बिलो द नेल प्लेट और मैट्रिक्स क्या होगा वो स्किन के सर्फेस का स्ट्रक्चर है जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है और हमारा नेल्स जो है उसका जो है वो इंक्रीज होता जाता है इट कंटिन्यूसलीस ग्लैंडियस ग्लैंड जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है ऑयल सिक्रीट करता है हम लोग देखे होंगे ना कि हमारा लाइक हेयर लाइक हम लोग जिस दिन वॉश करते हैं उसके एक दो दिन के बाद थोड़ा ऑयली ऑयली हो uh, सा नजर आता है भले हम लोग ऑयल लगाए हैं या फिर नहीं तो ये क्यों होता है या फिर uh, हम लोग uh, गर्मी में भी बहुत ज्यादा थोड़ा ऑयली ऑयली स्किन रहता है ऑल uh, दो हम लोग कोई भी ऑयल या कोई क्रीम नहीं लगाते हैं क्यों ऐसा होता है बिकॉज ऑफ दी सीबिशियस ग्लैंड सबिशियस ग्लैंड जो होता है वो ऑयल सिक्रिएट करता है जो कि हमारे बॉडी को मॉइस्ट रखता है ड्राई होने से बचाता है लेकिन विंटर में थोड़ा क्या होता है विंटर में ठंड ज्यादा होती है और हमारा स्किन ड्राई हो जाता है क्योंकि ठंड में थोड़ा ऑयल सिक्रीशन जो होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू समर सीजन इसलिए तो हम लोग को फिर लगाना पड़ता है ना बॉडी लोशन कोल्ड क्रीम एक्सेक्ट्रा विंटर सीजन में अगर हम लोग इस तरह से स्क्रैचेस करें तो वाइट वाइट सा यू uh, नो you know, निशान दिखता है बिकॉज ऑफ द ड्राई स्किन हमारा जो स्कैल्प होता है वो भी विंटर्स में ड्राई हो जाता है बिकॉज ऑफ द लेस सिक्रीशन ऑफ sebaceous glands now ab there are three problems related to sebaceous gland pimples acne and blackheads to so, pimple kya hota hai pimple ek bacterial growth agar hamare skin mein hoga aisa kyu hota hai pimples because agar hum log zyada dust mein hain like बाहर से, जब भी हम लोग घर आए, then we should always wash our face with soap or with face wash whatever क्योंकि अगर face में बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया अगर डस्ट है तो क्या होगा बैक्टीरियल ग्रोथ होगा जिसकी वजह से पिंपल्स होता है एंड ना एखने एखने तो लाइक टीन में होता ही है ये उसके बाद भी होता है मोस्टली तो बट ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है ये बेसिकली होता है ड्यू टू हॉर्मोनल इम्बेलेंस स्पेशली इन टीन एजर्स एखने एंड पिम्पल ऑलमोस्ट सेम होता है ना ब्लैक हेड्स क्या होता है हम लोग ऑब्जर्व करेंगे लाइक like, टीन के बाद ही ये दिखता है ब्लैक हेड्स क्या होता है जो पोर्स होता है स्किन में वो क्लॉक हो जाता है मतलब वो पोर्स ब्लॉक हो जाता है ये भी बोल सकते हैं डेड स्किन से या फिर ज डस्ट से तो उसकी वजह से फिर ब्लैक हेड्स होता है तो द बेस्ट वे टू डील विथ सच सिचुएशन इज हमें हमेशा अपना हाथ क्लीन रखना चाहिए वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड और जब भी बाहर से आए तो वी शुड ऑलवेज वॉश आवर फेस या फिर अगर हम कोई मेकअप यूज कर रहे हैं तो घर आने के बाद वी शुड अगेन क्लीन द मेकअप एंड वॉश आवर फेस तो इससे थोड़ा बच सकते हैं बट एक्ने इज अ अमोलाइन इम्बेलेंस तो वो कभी ना कभी होता है विच इज नॉर्मल नाउ स्वेट ग्लैंस स्वेट ग्लैंस जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है इट सिक्रेट स्वेट यस इट इज वेरी कॉमन लाइक समर सीजन में हम लोग देखे वी स्टार्ट स्वेटिंग हम लोग को गर्मी लगती है ना तो क्या होता है स्वेट फॉर्म होता है ये देख लो स्वेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है डर्मिस में दिस इज स्ट्रक्चर पूरा घुमा घुमा से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये है हमारा स्वेट ग्लैंड नाउ जो नीचे का पार्ट है जो कॉइल्ड पार्ट होता है इट इज अ सिक्रीटरी पार्ट ये सीक्रेट करता है स्वेट और जो ऊपर का लेयर जो स्किन के सरफेस पे जाएगा दैट इज एन एक्सक्रीटरी पार्ट मतलब वो एक्सक्रीट करेगा स्वेट एक्सक्रीट मतलब निकालना बॉडी से निकालेगा स्वेट डक्टर ओपनिंग्स आर कॉल्ड दिस स्वेट पोर्स नाउ मैमरी ग्लैंड्स मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल लेकिन फीमेल्स में जो होता है दे आर मोडिफाइड आफ्टर प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी के बाद इनलार्ज हो जाता है एंड मेल्स में इट इज इन रूडी में इंटरेस्टेड मतलब मेल्स में इसका कोई फंक्शन नहीं होता है फीमेल्स में इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी न द फंक्शन ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज इट सिक्रीट मिल्क विच द न्यू न्यू बेबी न्यू बॉर्न बेबी फीड्स ऑन सो मदर मिल्क इज very nutritious for a newborn baby. Now, so this was all about the derivatives of the skin. ab hum log padhenge about the skin and heat regulation of the body. So क्या होता है ना कि जब ज़्यादा ठंड होती है like winter season में, तो हमारा skin क्या करता है? वो prevent करता है heat loss. How? Because of the presence of the hair जो हमारे hairs present होते हैं हमारे लाइक uh, बॉडी like में ये सब क्या करते हैं इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग द हीट एंड ऑल्सो द फैट विच इज प्रेजेंट डर्मिस के नीचे लाइक like जो हमारा इनर लेयर होता है ना डर्मिस उसके नीचे प्रेजेंट होता है फैट तो ये सब क्या करता है हमारा हीट लॉस प्रिवेंट करता है विंटर uh, सीजन में एंड सिमिलरली समर सीजन में जब ज्यादा गर्मी होती है तो जस्ट टू कूल आवर बॉडी हमारा स्किन क्या करता है इट्स सिक्रिट स्वेट स्वेटिंग के बाद जो है ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी थोड़ा कूल हो जाता है सो दिस ऑल अबाउट द हीट रेगुलेशन। नाउ पे बहुत है, ये क्या होता है और कोल्ड ब्लडेड क्या होता है तो जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते लाइक ह्यूमन बींग्स हो गया ठीक है हो गया है या मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म मतलब उनका जो uh, या फिर एंडोथर्मल बोलो एंडो का मीन्स होता है एंडो मीन्स इनसाइड ओके एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर ओके बॉडी हीट इज जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड सो क्या होता है कि हमारा बाहर का वेदर जितना भी हो लाइक like समर हो या फिर विंटर हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंड हो या गर्मी हो डजेंट मैटर हमारा बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मल लाइक वी आर एंडोथर्मल एंड एक्टोथर्मल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर बेसिकली रेप्टाइल्स इसमें क्या होता है ना कि दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इनवायरमेंट देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस डिपेंड्स अपॉन द देशर लाइक ठंड है तो बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा अगर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो इन ऑर्डर टू इस्केप फ्रॉम दिज एक्सट्रीम कंडीशन वट डू दे डू दे हाइबरनेट ऐसे ऑर्गेनिजम क्या करते हैं हाइबरनेट करते हैं हाइबरनेट का मतलब क्या होता है विंटर स्लीप दे विल स्केप दिस एक्सट्रीम कोल्ड बाय हाइबरनेटिंग दमसेल्फ एंड एंड वट इज द एस्टिवेशन या फिर एस्टिवेट क्या होता है समर स्लीप लाइक इन केस ऑफ फ्रॉक्स ओके okay, क्या करेगा फ्रॉक्सलो क्या करेंगे दे विल डू अ समर स्लीप मतलब एंटायर समर दे विल स्लीप इज नोन एज एस्टिवेट सो दैट ऑल अबाउट चैप्टर ओनली द पार्ट लेफ्ट इज लाइक हीट लॉस ये तो बुक में दिया हुआ है बस थोड़ा सा जस्ट रीड इट वंस समझ में आ जाएगा इट्स वेरी इजी जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट था आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सो दिस वॉज ऑफ डेज क्लास This entire chapter I have explained. And thank you for watching my video. And if you are new to my channel, then please subscribe to my channel Science Classes. And if you like my video, then please give it a like and share with your friends. Thank you so much for watching.